हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ एग्जांपल्स ऑफ अ सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन के अंदर जैसे आप एक स्ट्रेट रोड के ऊपर जा रहे हो, ठीक है, सीधी सड़क है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हो, स्ट्रेट जाते जाते आपके आगे एक टर्न आता है, ठीक है, उस टर्न के ऊपर आप जब भी आप अपनी बाइक या स्कूटी कोई भी टर्न करते हो तो ड्यूरिंग द टर्निंग आपको डिसाइड करना होता है कि मैं किस स्पीड के ऊपर जो है टर्न अपनी बाइक का टर्न लूँ, ठीक है। सो वो मिनिमम स्पीड कितनी होगी जिस स्पीड के ऊपर आप एक सेफ टर्न जो है ले सकते हो, ठीक है। अगर स्पीड उससे ज़्यादा होगी तब भी आप गिरोगे, तब भी आपका एक्सीडेंट होगा, ठीक है। हाँ, काम पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट अगर स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा कोई ना कोई दुर्घटना होने के चांसेस है। तो इस टॉपिक में हमें यही कैलकुलेट करना है कि किसी भी टर्निंग रोड के ऊपर जब भी हम टर्न करते हैं, ठीक है, सो ड्यूरिंग द टर्निंग विच शुड बी द मैक्सिमम फोर्स सेफ फॉर अस फॉर द टर्निंग, ठीक है। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो इसको देखिए, ये आपके पास एक रोड है लाइक दिस, ओके, यहाँ पर आपकी कार है, ठीक है, ये कार है, ऐसी है ये कार, ये आपकी कार यहाँ से ऐसे बिल्कुल सीधा जा रही है, ठीक है, यहाँ तक जा चुकी है, ठीक है, कार आपकी यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ तक जा चुकी है। इस पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी है, लेट इट बी है V1, कोई भी वेलोसिटी है, ठीक है। अब आप टर्न करना चाहते हो इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर जैसे ही आप टर्न करना चाहोगे तो यहाँ पर आप बाय स्टेयरिंग इसको टर्न करोगे इस डायरेक्शन के अंदर, ओके। सो आपने इसको यहाँ पर टर्न किया इस डायरेक्शन के अंदर, ओके, बट ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन याद है आपको, अकॉर्डिंग टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बॉडी की टेंडेंसी होती है उसी डायरेक्शन के अंदर जाने की, ठीक है, रिमेन्स उसी डायरेक्शन के अंदर की, कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो यहाँ पर आपकी बॉडी है ड्यू टू इनर्शिया, बॉडी वॉन्ट्स टू गो इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन, तो बॉडी यहाँ से किधर जाना चाहती है, स्ट्रेट, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। बट आपने उसको यहाँ पर कुछ थीटा एंगल से टर्न कर दिया, दैट इज बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लगी, ओके। तो अब आपको डिसाइड करना है कि बॉडी की इंटेंशन ऑफ मोशन क्या है, इंटेंशन ऑफ मोशन, तो बॉडी को आप यहाँ पर टर्न कर रहे हो, ठीक है, पर बॉडी इस डायरेक्शन में जाना चाह रही है, सो इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, दिस इज ये एक वाली साइड क्या, दिस इज इंटेंशन ऑफ मोशन, क्या है ये, इंटेंशन ऑफ मोशन, ठीक है, सो दिस इज इंटेंशन ऑफ मोशन, ओके। पॉइंट्स बना लेते हैं यहाँ पे, लेट दिस इज ए पॉइंट नंबर 1, दिस इज ए पॉइंट नंबर 2 एंड दिस इज पॉइंट नंबर 3, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 कौन सा है, दैट इज ड्यू टू इनर्शिया, जिसके अंदर बॉडी स्ट्रेट जाना चाह रही है, हेलो लास्ट वन, बॉडी स्ट्रेट जाना चाह रही है, ठीक है। दिस इज अ पॉइंट नंबर 2, जिसकी तरफ हम बाय अ स्टेयरिंग, जैसे हम स्टेयरिंग टर्न करते हैं एक्सटर्नल पावर के थ्रू, उसको यहाँ पे टर्न कर रहे हैं, ठीक है। एंड पॉइंट नंबर 3, इट इज़ अ इंटेंशन ऑफ मोशन, ओके, लेट मी नो व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की डायरेक्शन की क्या है, फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या थी, इट इज़ अ फोर्स ओपोजिट टू इंटेंशन ऑफ मोशन, तो यहाँ पर इंटेंशन ऑफ मोशन क्या है, दिस साइड इंटेंशन ऑफ मोशन, तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट अंदर को क्या लगेगा, तो आंसर है फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स आपकी कहाँ लगेगी, दैट इज इनवर्ड, और अंदर को एक और फोर्स लगी है, अभी भी मैंने आपको पढ़ाया था, दैट इज अ सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स का, दैट इज इनसाइड टू द रोड, अंदर को आ रही है रोड के अंदर, ठीक है। यहाँ पर भी सेंट्रीपेटल फोर्स क्या अपने आप आई है या किसी एजेंट के थ्रू आई है, एजेंट के थ्रू आई, और यहाँ पर एजेंट कौन है, फ्रिक्शन, कौन एजेंट, फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन ना होता तो सेंट्रीपेटल फोर्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। सो हेयर इज अगेन वी हैव अ एजेंट, ओके। तो चलिए इसकी थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं कि जब आप यहाँ पे टर्न कर रहे हो, यहाँ पर आप टर्निंग ले रहे हो, ये सेफेस्ट वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है, सेफ वेलोसिटी कितनी होगी, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, पहले इसका डिस्क्रिप्शन नोट करते हैं, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन पार्ट, ओके। बॉडी गोज इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन, स्ट्रेट डायरेक्शन टुवर्ड्स
पॉइंट वन, कौन से पॉइंट की तरफ जा रही है बॉडी? टुवर्ड्स पॉइंट वन, ओके। फिर बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स मतलब जब आप स्टेयरिंग से यूज़ करोगे, स्टेयरिंग लगाओगे, बाय एक्सटर्नल फोर्स वी टर्न इट टुवर्ड्स डायरेक्शन टू, कौन सी डायरेक्शन की तरफ आपने टर्न किया? टुवर्ड्स डायरेक्शन टू, ओके। बट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बॉडी वॉन्ट्स टू गो इन डायरेक्शन वन, ड्यू टू इनर्शिया बॉडी वॉन्ट्स टू गो इन डायरेक्शन वन, ओके। नाउ इंटेंशन ऑफ मोशन, वी कैन ड्रॉ बाय अ वेक्टर, यहां पर देखिए इंटेंशन ऑफ मोशन कौन सी, दैट इज टू टू फर्स्ट, हम टू की तरफ बेंड कर रहे हैं, टू से कौन सी तरफ जा रही है? फर्स्ट, दैट इज इंटेंशन ऑफ मोशन ड्रॉ बाय अ वेक्टर, दैट इज टू टू वन, ये है आपका इंटेंशन ऑफ मोशन, दो से तीन। सो इंटेंशन ऑफ मोशन, डायरेक्शन कौन सी होगी इंटेंशन ऑफ मोशन की? दैट इज थर्ड, ये थर्ड नंबर क्या है? डायरेक्शन ऑफ इंटेंशन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ इंटेंशन ऑफ मोशन कौन सा रहेगा? दैट इज थर्ड, ओके। नाउ अंदर को लगने वाली कौन कौन सी फोर्सेस है? द फोर्सेस एक्ट इनसाइड, फोर्सेस एक्ट इनसाइड, अंदर को कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? फर्स्ट वन इज सेंट्रीपेटल फोर्स, कौन सी लग रही है? ये किसके इक्वल होगी? एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये फॉर्मूला सेंट्रीपेटल फोर्स का, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ओके। और सेंट्रीपेटल फोर्स ये जो है किसके इक्वल है? तो आंसर है फ्रिक्शन के इक्वल है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये ऐसे रहेगा। फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है? म्यू आर, दैट इज म्यू इंटू आर, और आर क्या होता है आपका? नॉर्मल रिएक्शन, ओके। इट इज़ अगेन एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये छोटे वाला आर जो है रेडियस है, यहाँ पर जो रोड रहेगा ना इसका रेडियस है, इसका क्या रहेगा? रेडियस। और ये वाला आर क्या है? दैट इज़ अ नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है? ये जो आपकी गाड़ी है इसके ऊपर ऊपर को लगने वाली फोर्स, इसको क्या बोलते हैं हम? नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होती है? दैट इज इक्वल टू एम जी, याद है आपको? अगर आपका फ्लैट सरफेस है, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को, डाउनवर्ड वेट क्या होता है? एम जी। सो आर इज इक्वल टू एम जी, ओके। सो यहाँ से हमने कैलकुलेट करनी है वी की, तो एम एम के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इट इज़ इक्वल टू वी इज इक्वल टू, ये आर उधर चला जाएगा, म्यू आर जी, ये जो स्केयर है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? स्केयर रूट। तो ये आपकी वेलोसिटी आ रही है, वेलोसिटी। सो आपका वेलोसिटी का आंसर आया, वेलोसिटी इज इक्वल टू म्यू आर जी अंडर रूट, ठीक है। आपकी जो वेलोसिटी है ना किसी भी रोड के ऊपर, देखिए ये जो वेलोसिटी है ना किसी भी रोड के ऊपर, जैसे ही आप यहाँ पे बाइक को टर्न कर रहे हो, योर वेलोसिटी शुड बी लेस देन दिस कंपोनेंट, आर इज रेडियस, जी इज ग्रेविटी, एंड म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अभी चलिए इसको थोड़ा प्रैक्टिकल समझते हैं। अगर आप मुझे बताइए, अगर ये रोड है, मैं दो सड़कें बना रहा हूँ, दिस इज अ फर्स्ट वन, एक छोटा सर्कल है और एक बड़ा सर्कल है, तो इन दोनों में से ज़्यादा स्पीड के ऊपर आप कौन से सर्कल में जो टर्निंग कर सकते हो, सर्कल नंबर वन या सर्कल नंबर टू? ज़्यादा स्पीड से देखिए वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। क्या है वेलोसिटी? क्या है? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रेडियस। सो जितनी ज़्यादा रेडियस होगा, जितने आपका रोड का रेडियस होगा, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा जो है वेलोसिटी से आप टर्निंग कर सकते हो। तो इसमें जो वेलोसिटी है V2, दैट इज़ ग्रेटर देन V1, सेकंड वाले की आपकी ज़्यादा रहेगी। सेकंड है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आजकल रोड्स अलग अलग बन रही है,
टायर्स वाली रोड बन रही है, ठीक है, सिंपल जो लुक वाली रोड होती है वही बन रही है, तो किसी पे फ्रिक्शन ज़्यादा है, किसी पे फ्रिक्शन कम है, सो कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है ये भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड वन इज़ ग्रेविटी, ग्रेविटी जो है लेवल रोड पे ये सेम ही रहेगी, दैट इज़ 9.8। अब इस फॉर्मूला से देखिए वन थिंग मोर, इस फॉर्मूला से क्या निकल के आता है कि जब भी आप टर्न करते हो, ठीक है, सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन कहाँ मिलेगा, दैट इज़ ऑन अ स्ट्रेट रोड या फिर जब आप टर्निंग करते हो। क्वेश्चन है कि फ्रिक्शन ज़्यादा कहाँ पे मिलेगा, जब आप कोई भी गाड़ी को टर्न करते हो ड्यूरिंग द टर्निंग या बिल्कुल स्ट्रेट, टर्निंग पे फ्रिक्शन ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जब हम टर्न करते हैं हमारी स्पीड स्लो होती है, अगर स्पीड स्लो हो जाएगी वहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर हम तेज़ चल रहे हैं, हमारा तेज़ चलना क्या होता है, दैट मीन कि हम फ्रिक्शन को पीछे छोड़कर, फ्रिक्शन को ओवरकम करके तभी चलेंगे ना, हमारा चलना क्या है, हम जितनी स्पीड बढ़ाते जाएंगे उसका मतलब क्या है, फ्रिक्शन कम होता जाएगा, फ्रिक्शन कम होगा। तो अब देखिए ये जो पॉइंट है, इस किसके लिए कैलकुलेट किया हमने, टर्निंग पे, किसके लिए कैलकुलेट किया, टर्निंग पे। तो टर्निंग जहाँ पर भी आप जाओगे मार्केट के अंदर या कहीं भी रोड पर भी जाओगे, जहाँ पर भी आपको टर्न मिलेगा ना, कहीं भी आप टर्न देखोगे, तो वहाँ पर मोस्ट ऑफ द जो रोड्स हैं वो आपके ख़राब हुई होंगी, ठीक है, टूटी हुई मिलेंगी। क्यों टूटी हुई मिलेंगी, सिर्फ टर्निंग पे ऊपर, जहाँ पर भी आपको कोई मोड़ मिलेगा, टर्न मिलेगा, वहाँ पे रोड जो है टूटी हुई मिलेंगी। उसका क्या कारण है, ख़राब मिलेंगे क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। तो देखिए सिंपल सी बात है, ठीक है ना, अगर मैं इन दोनों को ऐसे रब करता जाऊँगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा मिल रहा है, जितना मैं इन दोनों को रब करता जाऊँगा ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। सो ड्यूरिंग द रबिंग मतलब फ्रिक्शन ज़्यादा है, अगर फ्रिक्शन ज़्यादा ये ख़राब हो जाएंगे। सिमिलरली टर्निंग के ऊपर हमें फ्रिक्शन ज़्यादा मिल रहा है तो वहाँ पर रोड जो है ख़राब हो जाएंगी एज़ कम्पेयर टू द स्ट्रेट रोड, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि जो हमारी रोड्स हैं वो ख़राब ना हो, ठीक है, बिल्कुल सही रहे। तो उसके लिए जो हमारी टर्निंग है, हम चाहते हैं कि हमारी टर्निंग फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड ना रहो, ठीक है, फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड ना रहे। तो इसके लिए हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है, By using the weight of on body, हम अपनी बॉडी का वेट यूज़ करके, वहाँ पर ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करके उसको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक टर्निंग फ्रिक्शन पे डिपेंड थी, अभी आप नेक्स्ट आर्टिकल में देखेंगे जो टर्निंग है ये फ्रिक्शन पे नहीं, हमारी बॉडी के वेट के ऊपर डिपेंड है। इसके लिए आपको लाइव एग्जाम्पल देता हूँ, आपने एक लाइव रेसिंग देखी होगी बाइक्स की, देखी है, तो वो बाइकर जो ऐसे बैंड हो जाता है, होता ना बैंड, वो क्यों बैंड होता है, जब वो बैंड होता है तो बड़ी स्पीड से टर्न ले लेता है, देखा है आपने, तो ये हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा, दैट इज अ बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, पूछना कुछ, ये भी नोट हो गया ना।